हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू हेलो। हाँ व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। यार मैं जा रही हूँ आज तो क्या डेली जाती हूँ, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम HPU में व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो यार जाते ही अभी मेरी क्लास है, 11 बजे से क्लास है और लेट हो गए हम बहुत ज़्यादा। मेरे साथ है काजल दीदी, और जब तो काजल दीदी साथ में तो लेट तो पक्की समझो। काजल दी क्या करेगी आज हम दिन भर? उसका हम पराठा खाएंगे। हाँ पिंक पैटर पे। हाँ चटनी के साथ। हाँ बट यार वो वाला पराठा तो कभी नहीं भूल सकते हम, कितना टेस्टी बनाया था। वाला हाँ है ना। अभी हम पहुँच रहे हैं आज हम ये भी शायद मशोबरा जाए। मशोबरा हाँ एक्चुअली क्लासेस है कंटिन्यूसली, फिर देखते हैं अगर टाइम रहा तो हम जाएंगे, अदरवाइज हम आज यूनिवर्सिटी में ही होने हैं। बहुत अच्छे प्रोग्राम भी है ना यूनिवर्सिटी में। हाँ, वो ABVP वाले करवा रहे हैं कुछ ना, गर्ल्स ऑडिटोरियम में, वो तो हॉस्टल में शायद है ना। हाँ गर्ल्स ऑडिटोरियम। ओके तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, भी निकल जाते हैं, बहुत लेट हो गए। ब्रेक के बाद मेरे को लगता है आज तो मैं 15 मिनट लेट पहुंचनी क्लास के लिए, बट मेरा आज ऐसा था कि यार व्लॉग भी शूट करना है, फिर आज फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ मैं HPU में। काजल दीदी साथ है, काजल दीदी ने बोला यार कर ले तो HPU का नहीं दिखाती कभी, तो कह चलो ठीक है करते हैं व्लॉग शूट आज। ये बहुत हाँ बस खाएंगे हम जाके, ऐसा करना आप खा लेना ना, मैं तो दोनों नहीं मेरे को क्लास के लिए, या तो फिर वेट कर लो इस वाली क्लास के बाद आ जाऊँगी प्लीज। हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बट ये सच है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि मुझे आलू मटर पसंद नहीं है। हाँ ज़्यादा मैंने पसंद नहीं है, आलू पसंद है मुझे। हाँ मैंने बनाए थे आलू मटर, लेकिन इन्हें आलू मटर पसंद नहीं है, बोलते मैं तो HPU जाके ही खाऊंगी कैंपस में। चलो ठीक है। नहीं तो मैं छोटा ही उठा रही हूँ। ओके चलो ये भी अच्छा लग रहा है। कितनी ओवर साइज है ना ये, मोटी लग रही है इसमें है ना। ये वैसे आज कल ऐसे चले, शुक्र है यार आज मंकी नहीं मिले हमें। ये है यूनिवर्सिटी का फैकल्टी गेस्ट हाउस, बट धूप बहुत है ना, मुझे दिख नहीं रहा कि साफ दिख भी रहा होगा। ये बहुत दिनों बाद। हाँ ये है यूनिवर्सिटी की बसेस, जो यूनिवर्सिटी के स्टाफ मतलब टीचर्स स्टूडेंट्स और अदर स्टाफ के लिए लगी होती है। इसमें कोई भी आ सकता है? नहीं कोई भी नहीं आ सकता, ओनली जो HPU में पढ़ता हो या जॉब करता है। कार तो देखते नहीं है, रूल्स तो ऐसे है कुछ, वही लोग बैठते हैं जो यूनिवर्सिटी में हो। मैक्सिमम तो लाइब्रेरियन जाते हैं इसमें है ना। हाँ क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद जाती है नहीं, नहीं एक दिन में भी जाती है, डे स्कॉलर्स के लिए है। 1 बजे? हाँ नीला जाती है वैसे मैक्सिमम टाइम। मेहंदी दिखाई, दिखाओ जरा। वाओ काजल दीदी ने कल करवा चौथ के लिए मेहंदी लगाई थी। बस करवा चौथ में ही था। हाँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग जाती है। हाँ ये भूखा तो कभी रह ही नहीं सकते। कल तो हमने बस में ही खाना खाया। भाई कल तो ऐसा धोखा देंगे ना आप लोग, मतलब लंच में फटाफट बाहर आई, मैं शायद रखा होना मेरे लिए। अरे हम बनिया पहुंच गई मॉल। हाँ ये है इधर यूनिवर्सिटी का पकौड़ा पॉइंट, सबसे फेमस। हाँ सबसे फेमस। हाँ पकौड़ा पॉइंट यहाँ नहीं है, वो समरल में नीचे। हाँ, यहाँ पे तो ये है राजकुमारी अमृत कौर भवन। ये है HPU लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ जो कि बहुत ही खतरनाक है। मीट माई फ्रेंड्स, ये कौन है? अंजना है। ये शीतल है। हाय गाइस।
और अभी हम जा रहे हैं फंक्शन में, एक फंक्शन है यार इनका डिपार्टमेंट का है कुछ, तो हम उसमें जा रहे हैं। और रंजना को बहुत खुशी हो रही है कि हम जाएंगे, अभी शीतल को तो भाई क्या कहना है इनकी खुशी का। फिर यस झाड़ू पोछा लगवा रही हूँ उसमें। और रंजना कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ फंक्शन हो रहा है अभी इन लोगों का, यहाँ हो रहा है गेस्ट फैकल्टी में, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रहा है। थैंक यू थैंक यू। नमस्ते भैया। हाँ रहा, हाँ बोल दो। मुझे मिल गए हैं मेरे दोस्त। हेलो मीनाक्षी दोस्त। हेलो भैया। मुझे नए लोग मिल गए हैं दो, ये है दिलीप भैया और ये है हेमंत भैया। अभी आप लोग फंक्शन के लिए आए हैं? नहीं नहीं, हम अपने तो छुट्टी। अच्छा, आपका अपना काम है? ओके ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मैं जाती हूँ फंक्शन के लिए। इनको पता ही नहीं लग रहा कि मैं इनको वीडियो में ले रही हूँ। चलो हाँ मैं जा रही हूँ बाहर नहीं देख रहे। हेलो सिमरन, भाई मेरे को सेंड करे बाद में। हाय गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ फंक्शन हो रहा है और हम वेट कर रहे हैं चीफ गेस्ट का। कौन है चीफ गेस्ट? कौन है? हमारी चेयरमैन सर है लाइब्रेरी के, और बाकी सब चीफ गेस्ट है, वही आ रहे शायद, है ना? खाना खा लो खाना। सच में खिला रहे हैं? हाँ जी। आगे हम आगे हम खाना खाने। अब शीतल चलो खाना खाने। खाना तो खा लेते, पेट पूजा कर लेते हैं। क्यों जी, क्या ख्याल है आपका? फंक्शन तो अभी शुरू हुआ नहीं है, तो हम जा रहे हैं अभी खाना खाने। देखते लंच कर रहे हैं यार, इन्होंने लंच भी रखा है सभी के लिए। क्या हुआ आपके साथ? हाथ धो दिए, खाना खा रहा है। हाथ भी धो ली? हाँ। अभी चेयरमैन सर आ रहे होंगे। हाँ मैं भी गेस्ट हूँ यार, सुना ये बात ही थी। देवा भाव, कोई नहीं, आप हिम्मत रखो, मिल जाएगा आपको खाना। मिलते हैं। वैसे आपने सुबह आलू मटर भी नहीं खाया ना? आई डोंट लाइक आलू मटर। खुशी हो रही है खाना मिल रहा है। फोटो लेने के लिए भी लड़ाई हो रही। खाना तो हमें मिल गया, लेकिन देखते हैं अब कैसा बना है। शक्ल से तो अच्छा लग रहा है, देखने से तो काफी अच्छा लग रहा है खाना। रिव्यू तो देना पड़ेगा कि कैसा लगा। कैसा खाना लगा आपको? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। रिव्यू आपको खाना कैसे लगा बता सकते हैं? प्लीज शेयर योर रिव्यू। आप लोगों को खाना कैसे लगा? यार मैंने आपको रिव्यू, सब लोगों को बहुत अच्छा खाना लगा। आप खाने का रिव्यू दे सकते हैं? बात हुई है पहले, बहुत टाइम ये थोड़ा लड़की अभी शर्मा रही है।
ये अब यहाँ पे सभी वेलकम के लिए खड़े हो गए, जो भी टीचर्स आ रहे हैं, चीफ गेस्ट आ रहे हैं, सभी का वेलकम होगा यहाँ पे और उनके स्टूडेंट्स उनका वेलकम करेंगे। हेलो हेलो, नाम लेके हम सब नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ कि टीचर्स को किसी काम से जाना था तो कुछ टीचर्स चले गए और कुछ अभी यहाँ पे अभी प्रोग्राम आधा रहा है। मतलब नाटी जो मेन अट्रैक्शन होती है हमारे प्रोग्राम की वो अभी रही है। फंक्शन भी हो गया, बहुत अच्छा था। कृतिका कैसा लगा फंक्शन? बहुत ही। हाय अंकी। हाय दी। आज मैं आपको नए नए लोगों से मिलाती हूँ। ये अंकी है और ये बीटी एमटीटीएम, हाँ एमटीटीएम पढ़ाई कर रहे हैं। ये कृतिका है, बिलीव की स्टूडेंट है। और आपका क्या नाम है? सिमरन। सिमरन है और ये साक्षी है, अंकी की फ्रेंड। ये सभी मेरे जूनियर्स है और अभी हम फंक्शन के बाद जा रहे हैं हॉस्टल की ओर। अब पता नहीं, मेरा तो पता नहीं बनता है हॉस्टल जाने का कि नहीं, लेकिन ये लोग तो हॉस्टल में रहते हो आप लोग सभी? नहीं नहीं, एक सभी के रूम है। अच्छा आप हॉस्टल? ओके ओके ओके, ठीक है तो ठीक है ना। वीडियो तो बना रही, काट तो नहीं देंगे? नहीं यार, क्यों काटूंगी, हद करते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं काटूंगी यार, हद है। यहाँ पे तो बहुत सी चीजें दिखाने को, लेकिन मैंने आज फर्स्ट टाइम एचपीयू में शूट किया व्लॉग, ऐसे में करती ज्यादा। इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ में। हाँ मैं अभी नहीं आती है बहन, फोन करती ना, मैं चौक आती हूँ ना, मैं क्लास तो जाते हो ना? सिर्फ क्लास जाती हूँ, बाकी कुछ। ओके गुड, बस यही मैटर करता है, ये क्लास जाओ आप, ठीक है। देखिए मैंने साड़ी कैसे पहनी हुई है और अब मैं ऐसी जाऊंगी क्योंकि मुझे साड़ी उठा के जाना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा आपको। खोल के जा सकते हो तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं, चलते हैं हम भी रूम की ओर। आप लोग हॉस्टल जा रहे हैं, ओके देन बाय 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 कृतिका, बाय अंकी, बाय दीदी, ठीक है मिलते हैं, बाय टेक केयर। ये सब निकल गए हॉस्टल की ओर, लेकिन मेरे साथ एक और पार्टनर है। हम जा रहे हैं रूम की ओर। पहले तो हमारा था प्लान कि हम भी हॉस्टल जाते हैं, हॉस्टल में फंक्शन है तो उधर नहीं गए हम, निकल जाते हैं रूम को क्योंकि सुबह से फंक्शन फंक्शन बहुत हो गया और आज तो क्लास भी मैंने एक ही लगाई। चलो कभी कभी तो बनता है। और मेरा वेट कर रहे हैं मीनाक्षी दीदी और काजल दीदी, मिलती हूँ मैं उनसे भी। आप मिडिल सांगी जाना है? हाँ। कोई नहीं कोई नहीं, एक मोड़ पर ही है। असली पहलवान तो ये है हमारे यहाँ पे समर हिल के सांगटी के। हाँ अगर ये आए ना, वो भाई पीछे से मंकी आ रहा है, जल्दी चलो बहन। कसम से यार इनके वजह से तो एंटरटेनमेंट ही ना हो जाइए हमारे। ये मंकी इतने खतरनाक है ना, क्या ही बताऊँ। अगर चलो माना हमने अगर हाथ में कुछ हो तब भी ये आ सकता है खाने के लिए, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी ना हो ना फिर भी बस चले होते। एक दिन तो मेरा दुपट्टा ले गए यार और ऊपर चले गए पेड़ में। तो ये सब था जो हमने आज दिन में किया। मैंने फंक्शन देखा, क्लासेस भी अटेंड की और जितना पॉसिबल हो पाया मैंने आपको दिखाया यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट होता है।
हम पहुंच गए हैं घर के नज़दीक ही, और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इनकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच साक्षी, और प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।